योएल अध्याय एक से तीन अध्याय एक, एक यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है टिडियों द्वारा विनाश दो ही पुरानियों सुनो हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है तीन अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से चार जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे यलेक नामक टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ यलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है पांच है मतवालो जाग उठो और रो और हे सब दाकमधु पीने वालों नए दाकमधु के लिए हाय हाय करो क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा छह देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं उसके दांत सिंह के से और दाधे सिंगनी की सी हैं साथ उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं आठ जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है वैसे ही तुम भी विलाप करो नाइन यहोवा के भवन में न तो अन्न बली और न अर्घ आता है उसके टहलुए वे विलाप कर रहे हैं दस खेती मारी गई भूमि विलाप करती है क्योंकि अन्न नष्ट हो गया नया गया गया नया सूख सूख तेल भी गया है ग्यारह हे किसानों लज्जित हो हे दाक की बारी के मालियो गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो क्योंकि खेती मारी गई है बारह दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है अनार तार से वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है तेरा हे याज को कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो हे बेदी के टहलुओ हाय हाय करो हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में नबली और अर्घब नहीं आते चौदह उपवास का दिन ठहराओ महासभा का प्रचार करो पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो, दो। पंद्रह उस दिन के कारण हाय क्योंकि यहोवा का दिन निकट है वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा सोलह क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा सत्रह बीज ढेलों के नीचे झुलस गए भंडार सूने पड़े हैं खत्ते गिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई अठारह पशु कैसे कराहते हैं झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं उन्नी से यहोवा मैं तेरी दुहाई देता हूं क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गयी और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए बीस वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गयी अध्याय दो टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में सियोन में नरसिंगा फूंको मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको देश के सब रहने वाले कांप उठे क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है दोबह अंधकार और तिमिर का दिन है वह बदली का दिन है और अंधियारे सा फैलता है जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी तीन उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा चार उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं पांच उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का या खूटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है छह उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं सबके मुख मलिन होते हैं सात वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा आठ वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती नाइन वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं दस उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते ग्यारह यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थ्य है क्योंकि का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा पश्चाताप करने का आह्वान बारह तो भी यहोवा की यह वाणी है अभी भी सुनो उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ तेरा अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणा निधान और दुख ख देकर पछताने हारा है चौदह क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्ना बली और अर्घ दिया जाए पंद्रह सियोन में नरसिंगा फूको उपवास का दिन ठहराओ महासभा का प्रचार करो सोलह लोगों को इकट्ठा करो सभा को पवित्र करो पुरनियों को बुला लो बच्चों और दूध को भी इकट्ठा करो दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए सत्रह याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे न जाती जाति उसकी उपमा देने पाए जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा परमेश्वर की दया अठारह तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया उन्नीस यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया सुनो मैं अन्य और नया दाकमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त हो और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा बीस मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और, और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं इक्कीस हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं बाईस है मैदान के पशुओं मत डरो क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी तेईस हे सियोन के लोगों तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा चौबीस तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुन नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे पच्चीस जिन वर्षों की ऊपर जरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा छब्बीस तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी सत्ताईस तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी आत्मा का उंडेला जाना अट्ठाईस उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे उनतीस तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा ले लूँगा तीस मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा इक्तीस यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा बत्तीस उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे अध्याय तीन परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा वन क्योंकि सुनो जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेमवासियों वासियों को बदुआई से लौटा ले आऊंगा दो उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है उनसे मुकदमा लड़ूंगा तीन उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाकम पिया है फोर हे सोर और सिदोन और फलिस्तीन के सब प्रदेशों तुमको मुझसे क्या काम क्या तुम मुझको बदला दोगे यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा पांच क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं छह और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। सात इसलिए सुनो मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा आठ मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं क्योंकि यहोवा ने ये कहा है नाइन जाति जाति में ये प्रचार करो युद्ध की तैयारी करो अपने शूरवीरों को उभारो सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े दस अपने अपने हल्की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं ग्यारह है चारों ओर के जाति जाति के लोगों फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ हे यहोवा तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा बारह जाति जाति के लोग उभर कर जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा तेरह हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है आओ दाख रौन दो क्योंकि हौस भर गया है रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है चौदह निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है पंद्रह सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा सोलह यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा सत्रह इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे अठारह उस समय पहाड़ों से नया दाक मधुर टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शितिम की घाटी सींची जाएगी उन्नीस यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और अदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी बीस परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा इक्कीस क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है